दोस्तों, मनु कुमार जैन के काफी ट्वीट और काफी लीक्स के बाद फाइनली इंडिया में रेडमी का नोट 9 प्रो और नोट 9 प्रो मैक्स लॉन्च हो गया है। दोनों फोन का जो प्राइस है वो भी आपको काफी अच्छा रखा गया है। लेकिन दोस्तों, जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जो फीचर देखने को मिलेगा, वैसा इन दोनों फोन में फीचर देखने को नहीं मिला। हालांकि दोस्तों, इस वीडियो में रेडमी के नोट 9 प्रो के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, ये फोन जिस प्राइस में लॉन्च हुआ है उसी प्राइस में इंडिया में आपको कुछ दिन पहले रियलमी का 6 भी लॉन्च हुआ था, जो कि इस फोन में आपको बहुत ही अच्छे फीचर दिए गए हैं। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो गए कि इन दोनों फोन में से किस को बाय करना चाहिए, क्योंकि दोनों फोन का जो प्राइस है बिल्कुल सेम रखा गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन दोनों फोन के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कि इन दोनों फोन में से कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस फोन में अच्छा कैमरा मिलेगा, कौन से फोन में अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, मतलब कि दोस्तों कौन सा फोन आपके लिए ओवरऑल बेस्ट रहेगा, सब वीडियो में बात करेंगे। तो ये सब जानने के लिए आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों फोन के और डिस्प्ले के बारे में। दोनों फोन का डिजाइन दोस्तों आपको बैक साइड में काफी अच्छा मिलेगा, देखने में दोनों ही फोन यहाँ पे काफी अच्छे लगेंगे। लेकिन दोस्तों, जो Realme 6 है इसके बैक साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी दी गई है, हालांकि इसमें आपको ग्लॉसी फिनिश दिया गया है जिससे आपको देखने में फोन काफी अच्छा लगेगा। जबकि Redmi के नोट 9 प्रो में आपको एक्चुअल ग्लास दिया गया है, जो कि यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। दोस्तों, आपको दोनों ही फोन के साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। अगर सामने की तरफ बात करते हैं तो दोनों ही फोन में आपको पंच होल का डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन नोट 9 प्रो के मिडिल में आपको डॉट नॉच दिया गया है, जबकि Realme 6 में आपको साइड में पंच होल का नॉच दिया गया है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi के नोट 9 प्रो में आपको 6.67 इंच की एक फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी पैनल दिया गया है। इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है, जबकि Realme के 6 में आपको 6.5 इंच की इसमें भी आपको फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी पैनल दिया गया है, और इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलेगी, जो कि आपको Redmi के नोट 9 प्रो में देखने को नहीं मिलेगा। तो जो Realme 6 का डिस्प्ले रहेगा, इसमें आपको स्मूथनेस थोड़ी सी बेटर मिलेगी। वैसे दोस्तों, ये दोनों ही फोन डिजाइन और डिस्प्ले में काफी अच्छे रहेंगे, लेकिन जो Redmi का नोट 9 प्रो है इसमें आपको बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलेगा, जबकि Realme 6 में आपको बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट की बॉडी मिलेगी और सामने की तरफ इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 ही दिया गया है। अब बात कर लेते हैं दोनों फोन के कैमरा के बारे में। दोनों ही फोन में आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है, लेकिन जो नोट 9 प्रो है इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। इसमें आपको सैमसंग का G M2 सेंसर दिया गया है, इसके साथ इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। तीसरा कैमरा इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का दिया गया है माइक्रो लेंस के लिए, और चौथा कैमरा दिया गया है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए। जबकि Realme 6 में आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, इसमें आपको सैमसंग का G W1 सेंसर दिया गया है, इसके साथ इसमें भी आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। तीसरा कैमरा इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का रहेगा माइक्रो लेंस के लिए, और चौथा कैमरा इसमें भी रहेगा आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए। तो दोस्तों, बैक कैमरा में दोनों ही फोन काफी अच्छे रहेंगे। दोनों ही फोन से आप बैक कैमरा में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, स्लो मोशन और EIS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, दोनों ही फोन में आपको नाइट मोड का भी फीचर देखने को मिलेगा। तो बैक कैमरा आपको दोनों ही फोन में काफी अच्छा दिया गया है। दोनों फोन के बैक कैमरा से आप काफी अच्छे पिक्चर ले सकते हैं और काफी अच्छे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो Realme 6 में आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, वो आपको कहीं ना कहीं बेटर रहेगा Redmi के नोट 9 प्रो के कैमरा से। दोस्तों, अगर बात करते हैं दोनों फोन के सेल्फी कैमरा के बारे में, तो दोनों ही फोन में आपको 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो सेल्फी कैमरा भी आपको इन दोनों फोन में काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करेंगे इन दोनों फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो नोट 9 प्रो में आपको स्नैपड्रैगन 720G दिया गया है, जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 8nm टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, 2.3 GHz पर रन करता है। जबकि Realme 6 में आपको MediaTek Helio G90T प्रोसेसर दिया गया है, जो कि दोस्तों भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, लेकिन आपको 12nm टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, 2.05 GHz पर रन करता है। तो दोस्तों, परफॉर्मेंस में आपको दोनों ही फोन काफी अच्छे रहेंगे, गेमिंग के लिए भी दोनों ही फोन काफी अच्छे रहेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप स्पेशल पबजी के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए Realme 6 अच्छा रहेगा, आप आराम से इस फोन को ले सकते हैं। बात करते हैं OS के बारे में, तो दोनों ही फोन Android 10 के साथ में लॉन्च हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे दोनों ही फोन में आपको 2 सिम एक मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे काफी अच्छा है कि दोनों फोन में आप 2 सिम एक मेमोरी कार्ड आराम से लगा सकते हैं। अगर बैटरी की बात करते हैं तो Redmi के नोट 9 प्रो में आपको 5020mAh की बैटरी दी गई है, इसके साथ इसमें आपको टाइप सी का सपोर्ट दिया गया है, और दोस्तों इसमें आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। वहीं अगर बात करते हैं Realme 6 में, तो इसमें आपको 4300mAh की बैटरी दी गई है, इसमें भी आपको टाइप सी का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको 30 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर बैटरी के हिसाब से बात करें तो Redmi का नोट 9 प्रो बिल्कुल अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों, अगर ओवरऑल बात करते हैं तो जो Realme 6 है इसमें आपको 4300mAh की बैटरी मिल रही है, साथ में 30 वाट की जो फास्ट चार्जिंग मिल रही है, दोस्तों ये मेरे हिसाब से काफी बेटर रहेगा। दोस्तों, अगर बात करते हैं इन दोनों फोन के अदर फीचर के बारे में, तो दोनों ही फोन में आपको फेस अनलॉक का सपोर्ट दिया गया है। दोनों ही फोन में आपको 3.5mm का जैक, OTG डुअल 4G वोल्टी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन नोट 9 प्रो में आपको IR ब्लास्टर का सपोर्ट दिया गया है, जो कि दोस्तों ये फीचर काफी अच्छा है, काफी लोग इस फीचर को पसंद करते हैं। तो फीचर वाइज दोस्तों, दोनों ही फोन काफी अच्छे हैं, दोनों फोन में आपको बहुत सारे अच्छे फीचर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर प्राइस की बात करते हैं तो दोनों फोन का जो
स्टार्टिंग वेरियंट दोस्तों आपको देखने को मिलता है 13,000 रुपये में। तो प्राइस यहाँ पे दोनों फोन का काफी अच्छा रखा गया है, लेकिन मेन बात करेंगे इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट रहेगा, किस फोन को बाय करना चाहिए। तो दोस्तों ये फोन दोनों ही काफी अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तीन ऐसे रीजन है जिसको अगर आप पसंद करते हैं तो आप आराम से ये फोन ले सकते हैं। जैसे दोस्तों रियलमी 6 में आपको यहाँ पे 90Hz की रिफ्रेश रेट मिलेगी। इसमें दोस्तों आपको जो बैक साइड में कैमरा मिलेगा वो आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पे काफी अच्छा रहेगा। इसमें आपको 4300mAh की बैटरी के साथ में आपको 30W की फास्ट चार्जिंग मिलेगी, जो कि ये कॉम्बिनेशन मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये तीन रीजन पसंद है तो आप आराम से रियलमी 6 ले लीजिए, काफी अच्छा फोन रहेगा आपके लिए। लेकिन दोस्तों अगर आपको बैक साइड में और फ्रंट साइड में दोनों साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 चाहिए, साथ में अगर आपको 5020mAh की बैटरी चाहिए, तो दोस्तों रेडमी का नोट 9 प्रो ये भी फोन काफी अच्छा रहेगा, आराम से इस फोन को ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे लग रहा है कि इन दोनों फोन में से आपको रियलमी 6 बाय करना चाहिए। मुझे दोस्तों यहाँ पे बाय करना होगा तो मैं रियलमी 6 को बाय करूंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको 30W की यहाँ पे फास्ट चार्जिंग मिल रही है, जो कि दोस्तों बैटरी के कम रहते हुए भी काफी यहाँ पे अच्छा रहेगा। और दोस्तों इस फोन का जो रियर कैमरा है जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलेगा, मुझे ये भी काफी पसंद है। और इसके साथ जो 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है दोस्तों ये भी काफी अच्छा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से रियलमी 6 यहाँ पे 13,000 रुपये में बिल्कुल बेस्ट रहेगा। वैसे दोस्तों आप बताइए कि इन दोनों फोन में से आपको कौन सा फोन अच्छा लगा, आप इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बाय करेंगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए